नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की। अवैध अतिक्रमण हटवाने को लेकर विकास हिंदू ने सीतापुर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने सीतापुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विकास हिंदू ने कहा कि शहर के लालबाग घंटाघर से गोपाल घाट तक जाने वाला रास्ता एकदम जर्जर अवस्था में है एवं गड्ढा युक्त है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा मार्ग को दोनों तरफ से अवरुद्ध कर दिया गया है। रास्ते में कुछ मांस की दुकानें भी हैं, उनको भी हटाया जाना जरूरी है। महासचिव प्रदीप हिंदू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है, इसके बावजूद भी हिंदुओं की ये दशा है जो कि अशोभनीय है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिन के अंदर सड़क का चौड़ीकरण करते हुए अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया तो राष्ट्रीय हिंदू सेना सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञापन कार्यक्रम में संगठन के जिला अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ विकास हिंदू मंडल अध्यक्ष विवेक हिंदू, शुभम, अतुल, संजय, भगवान शरण, अश्विनी, दिव्यांश, आशीष आदि संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सीतापुर से सूरज राठौर की रिपोर्ट।